अफगानिस्तान के काबुल विश्वविद्यालय में सोमवार को हुए आतंकी हमले में कम से कम 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों की आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी है। पूरे कैंपस को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। कैंपस के अंदर से अब भी गोलीबारी की आवाजें सुनाई दे रही हैं। सुरक्षा बलों ने विश्वविद्यालय की ओर जाने वाली सड़कें बंद कर दी हैं तथा चिंतित परिवार विश्वविद्यालय में अपने बच्चों से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। अफगान मीडिया ने खबर दी है कि घटना के समय विश्वविद्यालय में पुस्तक प्रदर्शनी चल रही थी और गोलीबारी के समय प्रदर्शनी में कई लोग शामिल थे। अभी तक किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। वैसे तालिबान ने एक बयान में कहा है कि इस हमले में उसका हाथ नहीं है। पिछले साल विश्वविद्यालय के गेट पर बम विस्फोट में 8 लोगों की जान चली गई थी। वर्ष 2016 में बंदूकधारियों ने काबुल स्थित अमेरिकी विश्वविद्यालय पर हमला कर दिया था और 13 लोगों को मार डाला था। पिछले ही महीने एक आत्मघाती बम हमले में एक शिक्षण केंद्र में 24 विद्यार्थियों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक घायल हो गए थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।